साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि लोन डिफॉल्ट। बैंक बिना सूचना दिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, बैंक हो या एनबीएफसी हो या इनके रिकवरी एजेंट हो या रिकवरी एजेंसी हो। बिना आपको सूचना दिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। और सूचना का मतलब यह नहीं कि फोन करके कह दिया रामलाल जी हम कल आपके मकान को सीज कर देंगे क्योंकि आपने लोन की किस्तें नहीं भरी है, यह सूचना नहीं। सूचना का प्रमाण होना चाहिए, सूचना की तामील होनी चाहिए, सूचना रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। कहने का मतलब, आपने यदि बैंक से लोन लिया है और आपने लोन डिफॉल्ट कर, अब आपको फोन आ रहा है कि आपके खिलाफ मुंबई के किसी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, 30,000 कोर्ट से आपका समन जारी हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट में आपके खिलाफ केस हो गया, आपका मकान जब्त कर लिया जाएगा। ये जो बातें हैं ना, बड़ी बेमानी लगती है। बैंक यदि आप डिफॉल्ट हुए हैं, बैंक आपको बिना लीगल नोटिस दिए, बिना सूचना दिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है, आप लोन नहीं भर पा रहे हो और बैंक आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अपने पजेशन में लेना चाहता है, तो सरफेसी एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत आपको नोटिस दिया जाएगा और प्रत्येक नोटिस का जवाब देने का आपका अधिकार है और उस नोटिस का भी जवाब, उस जवाब देना बैंक को पड़ेगा। अगर आपकी ईएमआई बाउंस हुई है तो उनको सेक्शन 25 का नोटिस बाउंसिंग की डेट के 30 दिन के भीतर देना पड़ेगा। यदि आपका चेक बाउंस हुआ है तो बाउंस की तारीख से 30 दिन के भीतर आपको नोटिस देना पड़ेगा। यदि वो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई आपके खिलाफ करना चाहते हैं तो आपको आर्बिट्रेशन एक्ट का नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो लोन रिकवरी का दावा करना चाहते हैं तो लोन रिकवरी के लिए भी वो आपको नोटिस देंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी बैंक बिना कोई लिखित सूचना पत्र दिए आपके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक भी ये चाहता है कि उसका पैसा डूबे नहीं, उसका पैसा रिकवर हो, कानूनी मामलों में उनको भी नहीं जाना पड़े, क्योंकि कानूनी मामलों में जाने के लिए उनको भी अपना एक बंदा अपॉइंट करना है, लिटिगेशन खर्च वहन करने, उस बंदे को कोर्ट में एपीयर रखना है हर प्रोसेसिंग के दौरान। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको जानना चाहिए, अगर ऐसे कोई कॉल आते हैं ना, वो फर्जी कॉल होते हैं, उनको इग्नोर करें। लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट है, जिनको देखकर आप अपनी हर क्वेरी का समाधान पा सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। बस चैनल को विजिट करिए, कॉल बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी बात करना चाहते हो तो जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है वहां कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको कॉल आ जाएगा और पूरी लंबी चौड़ी बात होगी और एक अच्छा लीगल सजेशन दिया जाएगा। लेकिन फिर कहता हूं, कॉल बुक की जरूरत नहीं है, चैनल पर विजिट कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपका मित्र, परिचित, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी यदि लोन के दलदल में फंस चुका है ना और अपने जीवन को समाप्त करने का सोचता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वह अपने जीवन को नए तरीके से जी पाए।